गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी अनदर फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि है पैनकेक्स। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इजी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में इजीली आपको मिल जाएंगे। आइए इसे जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक पैन में ओट्स ले लिए हैं। ये हैं तकरीबन 1/3 कप ओट्स। गाइस, ये रोल्ड ओट्स हैं, आप इसके लिए इंस्टेंट ओट्स भी यूज कर सकते हैं। इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगी जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है एंड ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं इसका जल्दी से ग्राइंडर में बिल्कुल ही फाइन एक पाउडर बना लूंगी। आइए अब इसका गाइस हम बैटर बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने बनाना को एक फोक के साथ जल्दी से इसको मैश कर लेंगे। आपको इसे प्रॉपरली मैश करना है कि इसके बिल्कुल भी जो मोटे मोटे लम्स हैं वो ना रहें। ये बिल्कुल ही एक फाइन प्यूरी में मैश हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल प्यूरी बन चुकी है। उसके बाद इसके अंदर ये जो ओट्स मैंने ग्राइंड किए थे मैं ये डाल दूंगी। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ गाइस, ये है डार्क चॉकलेट, उसके कुछ पीसेस। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, ये तकरीबन 1 teaspoon वनीला एसेंस है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। फिर मैं इसमें डालूंगी एक अंडा। और इसकी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के लिए मैं इसमें डाल रही हूं दूध। दूध इसमें आपको धीरे धीरे करके डालना है ताकि ये अच्छे से साथ साथ में मैश होता रहे। इस बैटर की खुशबू इतनी अच्छी है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा दूध हम इसमें और डालेंगे। गाइस, इसका बैटर आपको बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का ये बैटर होना चाहिए। और ये देखिए 2 मिनट में इसका बैटर तैयार हो चुका है। आइए आप इसे बनाते हैं। गाइस, अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया। इसके लिए आपको ज्यादा ऑयल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैन नॉनस्टिक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपना बैटर डालना है आपका पैन बिल्कुल गर्म होना चाहिए। बैटर डालने के बाद मैंने गैस को बिल्कुल धीरे कर दिया है क्योंकि अगर मैं इसको तेज गैस पे पकाऊंगी तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब इसे मैं ढक दूंगी। इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए आपको ढककर रखना है ताकि ये दोनों साइड से इजीली कुक हो जाए। इसे गाइस अब मैं फ्लिप कर दूंगी और ये आप देख सकते हैं ये यहां से कितना क्रिस्प और इजीली पक गया है। तकरीबन 1 मिनट और मैं इसे दूसरी साइड पे पकाऊंगी और तब तक ये रेडी हो जाएगा। इस बैटर से आपको अप्रोक्सीमेटली 3 पैनकेक्स मिलेंगे जो कि एक ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट क्वांटिटी है।
सो गाइज मेरे गर्मा गर्म पैनकेक्स तैयार हो चुके हैं. ये उस पैटर्न में से मैंने 3 पैनकेक्स बनाए हैं. अब आइए इसकी हम ड्रेसिंग करते हैं. इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पीनट बटर. मैं इसकी हर लेयर में पीनट बटर नहीं लगा रही क्योंकि ऑलरेडी ये काफी मीठे होते हैं बिकॉज इसमें बनाना डाला हुआ है. सो मैं इसकी सिर्फ ऊपर वाली लेयर के ऊपर ही पीनट बटर लगा रही हूँ. अच्छे से आप एक स्पून सिर्फ लेंगे और उसको अच्छे से आप स्प्रेड कर देंगे इसको पूरे पैनकेक के ऊपर. अगर आप इसे विंटर्स में बना रहे हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज भी इसके ऊपर डाल सकते हैं. मैं इसके ऊपर गाइस एक्स्ट्रा बनाना नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें बनाना डाला हुआ है. और अब लास्ट में मैं इसके ऊपर कुछ चॉप्ड बादाम आलमंड्स डाल रही हूँ. आप ऑप्शनल इसमें वे प्रोटीन पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आप इन्हें हाई इन प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो. सो गाइज ये आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट के टाइम में मैंने ये एक बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है. अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको बोरिंग खाना खाना है. आप ऐसे की डिशेस ट्राई कर भी आप बहुत इंटरेस्टिंग लंच ब्रेकफास्ट और डिनर खा सकते हैं. मैं आपके साथ बहुत जल्दी वापस आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ. और अगर आप इसे ट्राई करें तो मुझे जरूर बताएंगे रेसिपी आपको कैसे लगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एज आई ऑलवेज से इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी बट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वर्थ इट. बाय.